हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास थर्ड की टुगेदर विद मॉरल वैल्यूज़ का यूनिट नंबर एट गोइंग टू स्कूल पढ़ेंगे इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इसको हिंदी में समझेंगे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं गौरव स्टडीड इन क्लास थ्री ही नेवर लाइक टू गो टू स्कूल गौरव क्लास थर्व में पढ़ता था और उसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था ही ऑल्सो डिड नॉट लाइक टू स्टडी और डू हिज होमवर्क गौरव को ना तो पढ़ाई करना पसंद था और ना ही अपना होमवर्क करना पसंद था हिज मदर वॉज वर्ड अबाउट हम गौरव की मदर उसके लिए बहुत परेशान रहती थी शी डिड नॉट नो वॉट टू डू और गौरव की मदर को समझ ही नहीं आता था कि वो क्या करें वन डे हर फ्रेंड राधा के एक दिन गौरव की मदर की फ्रेंड राधा आई उनके घर शी शी सॉ दैट गौरव वॉज क्राइंग इन दी मॉर्निंग एंड सेग नो आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल आई हेट स्कूल एंड स्टडीज जब वो सुबह आई तो उन्होंने गौरव को रोते हुए देखा और गौरव रोते रोते ये कह रहा था कि मुझे नहीं जाना है स्कूल मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे पढ़ाई करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है राधा आंटी केम नियर टू हिम एंड सेड गौरव यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल देन डोंट गो लेट्स गो टू मार्केट एंड अदर प्लेसेस गौरव अग्रीड अब राधा आंटी ने राधा राधा आंटी गौरव के पास गई और उन्होंने बोला कि गौरव अगर तुम्हारा मन नहीं है स्कूल जाने का तो मत जाओ चलो हम लोग मार्केट जाते हैं और अलग अलग जगह घूम करके आते हैं तो गौरव उनकी बात को सुनकर अग्री हो गया राधा टूक हिम टू अ नियर बाय मार्केट एंड गॉड चॉकलेट्स जैंड आइसक्रीम्स राधा गौरव को पास की ईबा मार्केट लेके गई और वहाँ पर उसको चॉकलेट दिलाई और आइसक्रीम दिलाई गौरव ओपन द रैपर ऑफ द आइसक्रीम एंड स्टार्टेड ईटिंग इट गौरव ने आइसक्रीम का रैपर खोला और आइसक्रीम खाने स्टार्ट कर दी शी देन टुक हिम टू अ कॉलोनी ऑफ पुअर पीपल उसके बाद राधा गौरव को एक कॉलोनी में लेकर गई जहाँ पर पुअर पीपल रहते थे यहाँ पर गरीब लोग रहते थे दे सॉ मेनी चिल्ड्रेन वर प्लेंग इन मर्ड एंड वर इन डर्टी क्लोथ्स एंड वो आर टॉकिंग टू इच अदर इन बैड लैंग्वेज उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो बच्चे थे वो सब मिट्टी में खेल रहे थे उन सब के कपड़े बहुत गंदे थे और वो सब एक दूसरे से गंदी खराब लैंग्वेज में बात कर रहे थे गौर ऑफ़ सो देम एंड सेड दीज चिल्ड्रेन आर सोदर्टी एंड दे डोंट नो हाउ टू टॉक प्रॉपरली गौरव ने बोला ये तो बच्चे बहुत गंदे हैं दिख रहे हैं और इन लोगों को तो सही से प्रॉपरली बात भी नहीं करना आता है Radha looked at Gaurav एंड said, "Do यू you नो know why दे आर dirty एंड डोंट नो हाउ टू टॉक अब राधा ने गौरव से गौरव की तरफ देखा और पूछा क्या तुम जानते हो कि इतने डर्टी क्यों हैं उन लोगों को अच्छे से बात करना क्यों नहीं आता वाई एनक्वायर्ड गौरव अब गौरव पूछता है क्यों आंटी बिकॉज दे डोंट गो टू स्कूल क्योंकि ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं इसलिए इनको अच्छे से बात भी नहीं करना आता अच्छे से रहना सहना नहीं आता दे कुड नॉट लर्न मैनर्स टू ईट एंड टॉक विदाउट स्कूल इन लोगों को बिना स्कूल जाए मैनर्स खाना कैसे खाना है बात कैसे करनी है इन सब चीज़ों की मैनर्स इन्हें आएगी नहीं क्योंकि स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं आंट सेट गौरव जस्ट शुक हिस हैड और गौरव ने अपना सिर्फ सिर हिला दिया कि हाँ सही बात है कि जब तक कोई स्कूल नहीं जाता है तब तक उसको मैनर्स नहीं आते हैं देन शी टू खिम टू अ कॉन्फेक्शनरी शॉप वी आर दे सॉ टू बॉयज़ क्लिनिंग यूटेंसिल्स फिर गौरव को आंटी राधा उसको एक कॉन्फेक्शनरी शॉप पर लेकर गए कॉन्फेक्शनरी शॉप क्या होती है जहाँ पर पेस्ट्रीज मिलती हैं है, है ना तो कॉन्फेक्शनरी बोलते हैं उस शॉप को तो कॉन्फेक्शनरी शॉप पर लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि दो लड़के जो थे बर्तन साफ कर रहे थे शी पॉइंटेड टूवर्ड्स द मैन सेड गौरव डू यू नो वाई दे आर क्लीनिंग यूटेंसिल्स फिर आंटी ने बोला कि गौरव क्या तुम जानते हो कि जो बच्चे हैं इस बर्तन क्यों साफ़ कर रहे हैं बिकॉज दे कुड नॉट गेट दी अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल एंड स्टडी क्योंकि इन लोगों के पास इनको कभी मौका ही नहीं मिला अपॉर्चुनिटी का मतलब हुआ मौका तो इनको कभी मौका ही नहीं मिला कि ये कभी स्कूल भी जा पाएँ और पढ़ाई कर पाएँ सो दे कुड नॉट डू एनी थिंग एल्स बट क्लीन यूटेंसिल्स और इसी वजह से वो और कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हैं आफ्टर कमिंग बैक होम गौरव केप्ट थिंकिंग वॉट ही सॉ दैट डे फिर मार्केट से आने के बाद उस दिन गौरव पूरा दिन यही सोचता रहा उसी चीज़ के बारे में सोचता रहा उसने जो भी देखा था ही रियलाइज दैट स्कूल टीचर्स हैम मैनर्स एंड ऑल्सो ग्रांड्स नॉलेज विच विल सर्टनली हेल्प एवरी वन टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ उससे ये रियलाइज़ हो गया कि जो स्कूल है वो हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे मैनर्स रखने चाहिए वहाँ से हमें नॉलेज मिलती है और इसी वजह से हम सक्सेसफुल लाइफ जी पाते हैं ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डेली एंड डू स्टडी प्रॉपरली और तभी से गौरव ने डिसाइड कर लिया कि अब वो डेली स्कूल जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा स्कूल मेक्स अस गुड ह्यूमन बींग और इसीलिए कहा जाता है स्कूल हमेशा जाना चाहिए स्कूल हमें अच्छा इंसान बनाता है तो स्टूडेंट्स अगर आपको यह चैप्टर की एक्सप्लेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सब फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें थैंक यू